ये भी एक ऑटो स्टॉक ही है, ओईएम ही है, बट कुछ हफ्तों से शांत बैठा था। अब मुझे लगता है कि रफ्तार पकड़ सकता है, यह है टीवीएस मोटर्स। अभी टाटा मोटर्स की चर्चा की सुमित जी ने, तो टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर स्पेस में मुझे लगता है कि एक अच्छे नंबर्स दे सकता है। अप्रैल महीने में 18% का सेल्स ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं। पहले इसका टारगेट बता दूं, 2120 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 2120 का पोजिशनल टारगेट, 2250 का। फरवरी 2022 से विद डिस्क्लेमर हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं लगातार बार बार हमारे क्लाइंट्स को। तो टीवीएस मोटर 18% का सेल्स वॉल्यूम आ सकता है अप्रैल 2024 में। इन टर्म्स ऑफ ईवीज में रिलेंटलेस इनकी जो स्ट्रेटेजी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, न्यू ईवी की लॉन्च भी है, ये भी पॉजिटिव रह सकता है टीवीएस मोटर्स के लिए। और एक्सपोर्ट साइक्लिकल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है टीवीएस मोटर्स के लिए, सीएजीआर ग्रोथ अच्छा है। तो टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर स्पेस में जैसे जैसे इलेक्शन के और पड़ाव आगे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि रूरल इंडिया पे ही ज्यादा फोकस आते जा रहा है। तो टीवीएस मोटर्स शॉर्ट टर्म टारगेट 2120, पोजिशनल टारगेट 2250। चलिए टीवीएस मोटर्स पर राय आती हुई, लेकिन रिटेल स्पेस में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेंट ABFRL ये भी याद रखिएगा। इनफैक्ट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ABFRL आपकी तरफ से इस पर